खड़ाई रखना, धुप्पे खड़ाई रखना और उन्होंने चिंता च खड़ाई रखना, यह बहुत वड्डा एक अपने आप दे विच सवाल है कि जिहड़े पेरेंट्स ने वो अंदर आके उन्होंने एक बार अंदर लैके आंदा जाए, उन्हां दी आई डी चैक की जाए, आई डी चैक करते सार ही उन्होंने अपने बच्चों के कोल लैके जाता जाए। अगर ये सारिया चीज़ा एक सिस्टमैटिक ढंग के नाल हो शायद उन्हां दी चिंता भी घटेगी, जिहड़े बच्चे अंदर बैठे ने उन्हां दी चिंता भी घटेगी, तो उस हिसाब के नाल जिहड़ी है प्रशासन की चिंता भी घटेगी, तो जिहड़े लोग बह के दर्शक जिहड़े देख रहे हैं उन्हां दी चिंता कटेगी। मेरी जिम्मेवारी मेरे को अंदर से फोन, अब ये मेरे को बोल रहे हैं कि अंदर का आपका आ रही है या तेरे को अंदर से कहा नहीं अंदर का, मैं कैसे फोन लगाया, मैंने लाउड स्पीकर करके फोन पे बात करवाई, ठीक है लाउड स्पीकर पे, ये मेरे को वो बोल लाउड स्पीकर पे उसने बोला कि देश के बाहर ताला लगा हुआ है, गार्ड्स खड़े हैं, हमें अंदर बंदी बना लिया गया है, और काम से क्यों बनाया गया है, कोई बात नहीं तो मिलने दो, हम भी ये घड़ी सर सर यूनिवर्सिटी प्रशासन देखो सीधे तौर पर जिस तरह असं गल करते हैं जो पुलिस प्रशासन इतने मौजूद है, लेडी इंस्पैक्टर्स भी इतने मौजूद ने, उन्होंने भी सीनियर ऑफिशियल जोड़े ने इतने मौजूद ने, उन्होंने वालों सीधा कहा जा रहा है कि इस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत वड्डा है, तो जेकर यूनिवर्सिटी कैंपस की असं गल करते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कहें कि बहुत सारे शरारती अंसर घूम रहे हैं, तो करके जेकर असी उन्होंने सारे इतों वैनिश करना है, खत्म करना है, बाहर कढ़ना है, तो फिर सानू जोड़े होस्टलर्स ने उन्हों की गिणती करके उन्होंने अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त आप बच्चों की गल करते हैं वह कहें कि सानू जिहड़ा है जबरदस्ती अंदर रखा जा रहा है, असं चाहते हैं कि असी बाहर आईए, असी बाहर आके जिस तरीके अमूमन रोज़मर्रा की जिंदगी दे असी होस्टल्स तो बाहर आते अपना काम करते, ग्राउंड चाके बहिंदे सी, लॉन च बहिंदे सी, पढ़ते सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जिस वक्त सानू रोकया जा रहा है, इस वक्त तुहानू मैं यूनिवर्सिटी कैंपस दिखाने की कोशिश करूँगी, तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ी मूवमेंट हो रही है बहुत घट मूवमेंट हो रही है, यह तुसीं देख सकते हो पेरेंट्स भी कुछ ने जिहड़े अंदर जा रहे हैं, लेकिन बहुत घट मूवमेंट, यह अमूमन जिंदगी दे विच आम तौर पर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखते हैं तद अजिही मूवमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा जिहड़ा है वह चैक मैक हुंदी आ, हर पासे बच्चे जिहड़े ने वड्डी गिणती दे विच हुंदे ने, तुहानू यह हमेशा जिहड़ा पाथ है वह चलता फिरदा नज़र आएगा, लेकिन अज के दिन डे स्कॉलर्स भी जिहड़े ने उन्होंने बाहर रखा गया, उन्होंने अंदर नहीं आन दिता गया, दूजे पासे होस्टलर जिहड़े ने उन्होंने उन्होंने होस्टल्स के विच ही रखा गया आ, लेकिन जिस वक्त असीं वह बच्चों के कोल जाने कुछ बच्चे जिहड़े बाहर आए उन्होंने अपने शब्दों के विच जिहड़ी है दर्शकों नूं दस्सी कि उन्होंने इस वक्त हालात की ने, तो किस तरीके नाल जिहड़ा आ उन्होंने वल्लों क्लेम किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जिहड़े फैक्ट्स ने, फिगर्स ने, एविडेंस ने उन्होंने फोर्ज करने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कोई भी जिहड़ी गल है वह तत्तां के आधार पर पूरी नहीं रखी जा रही, क्योंकि पहला तो जिहड़ी है वह कुड़ी नूं भी खतरा सीगा, जिन्ने सारे काम किए कि हो सकता सी जिन्हां कुड़ियों के नाल उन्हें काम किया वह कुड़ियां मिल के उन्हूं कुछ कर दिंदियां या उन्हूं जिहड़ा फिजिकल हार्म पहुँचाने की कोशिश कर दें, तां करके पहला बचाया गया, लेकिन उस तो बाद कहिंदे जिस वक्त उन्हूं पुलिस फड़ के लै गई उस तो बाद जिहड़ा कैंपस है वह अपनी रैपूटेशन बचाने वास्ते जुड़ गया, तो उस तो बाद हुण दी भी जेकर गल करिए अपनी रैपूटेशन जिहड़ा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बचा रही है, लेकिन अजे तक जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना स्टूडेंट्स उतों सैटिस्फाइड ने, ना ही जिहड़े होर जिहड़े NSUI दे प्रधान सीगे बाहरों आए वह भी सैटिस्फाई नहीं है कि जिस तरीके नाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस तरीके नाल स्टूडेंट्स के उत्ते कार्रवाई की जा रही है उतों कोई भी सैटिस्फाई नहीं इन्हां दे विचों। लेकिन मैनूं एक गल चीज़ जिहड़ी है सब तो वड्डी है कि जिहड़े पेरेंट्स नूं दरवाजे ते घंटा घंटा खड़ा होना पै रहा उन्होंने दस्से चाह पानी कितों मिलेगा, जिहड़े पेरेंट्स सिर्फ इन्नी गल कह रहे हैं कि सानू सिर्फ अपने बच्चों के नाल मिलना है, असीं जाके उन्होंने नाल गल करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चों की मैंटल स्टेट पर भी बहुत वड्डा असर होया होया है, जेकर मैं होस्टल की गल करा तो जिस तरीके नाल वीडियोज़ वायरल हुई ने उस तो बाद अपने आप ही जेकर एक कुड़ी की वीडियो वायरल हुई है तो उस तो बाद भी अगर 50-60 एक क्वेश्चन मार्क के विच ने तो उस तो बाद भी कह दे रहे हो यही नहीं पता कि 50-60 कौन ने, हर कुड़ी नूं जिहड़ा है अपनी चिंता आ अपनी मैंटल स्टेट के विच और उन्होंने साइकोलॉजिकली भी बहुत वड्डा जिहड़ा इफेक्ट हो रहा, कहिंदे पैनिक अटैक्स जिहड़े ने कुड़ियां नूं आए, उस तो बाद जिहड़े पेरेंट्स ने वो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि उन्होंने जिहड़े बच्चे ने किस हालत के विच ने, शायद उन्होंने चाह पानी की लोड़ नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक चंगी असिस्टेंस की लोड़ है कि अगर वह दूरों दूरों आ भी रहे ने जेकर उन्होंने अपने बच्चों नूं चंगी सिक्ख्या के वास्ते दूर भेजा आ अपने बच्चों के वास्ते वो इन्ना पैसा खर्च कर भी रहे हैं तो जेकर वह पेरेंट्स आए ने उन्होंने चंगी असिस्टेंस दी जाए उन्होंने भी मैंटल स्टेट इस वक्त बहुत खराब होएगी कि उन्होंने भी नहीं पता कि वीडियो
वीडियो दे विच किड़ी कुड़ी है। हर माँ प्यो दा जिहड़ा इस वक्त दिल दा सब तो वड्डा जिहड़ा है डर भी इको यही होएगा, लेकिन फिर भी जिस वक्त आह रोक टोक देखण नूं मिलेगी, आ हालात देखण नूं मिलणगे, तो फिर उहनां दे मन दीआं भावनावां जिहड़ियां ने उह होर जिहड़ियां ने उह डिस्टर्ब होणगीआं ते उहनां दे हालात होर बिगड़णगे। लेकिन जिस वक्त गल करदे आ इह सारीआं चीज़ां नूं इक जेकर असीं मानदे वी आ कि इक वारी जेकर पुलिस प्रशासन अंदर हैगी है उह सारी जिहड़ी है अंदर कंट्रोल करन दी कोशिश की जा रही है, सिचुएशन मेनटेन करन दी कोशिश की जा रही है, फिर भी एक चीज़ होनी चाहिए है कि जेकर कोई पहुँच रहा है उन्हों दरवाजे तो रिसीव करके चंगे तरीके नाल रिसेप्शन लिजाया जाए, उन्होंने गाइड किया जाए रिसेप्शन इतने है, उस तो बाद रिसेप्शन उन्होंने आई डी चैक की जाए, आई डी चैक करन तो बाद उन्होंने होस्टल लैके जाया जाए, होस्टल के माँ प्यो न अपनी कुड़ी के नाल मिला दिता जाए कि आड़ा बच्चा है आ सेफ है तुम इन्हों के नाल मुलाकात कर सकते हो। ये सारी चीज़ तो एक एथिकल वे देखनी बनती सी, लेकिन वो चीज़ा जिहड़ियां ने वो घट वध देखने मिल रही ने। देखो ये गल ठीक है तुहाडी कि कित्थों दी आ सकते हैं, लेकिन यूनीवर्सिटी बहुत वड्डी है और यूनीवर्सिटीज़ दे विच अमूमन तौर पर इदा हुंदा है कि वड्डी वड्डी जिहड़ी यूनीवर्सिटीज़ हुंदियां ने उहनां दे विच गेट तो एंटर करन दे वास्ते कदी कदी नहीं पुछया जांदा, आई डी कार्ड्स नहीं देखे जांदे, बथेरी बार इदा भी हुंदा है कि होस्टल्स दे विच जेकर एक कुड़ी रह रही है जां किसी बॉयज़ होस्टल दे विच मुंडे रह रहे हैं तो अपने एक अद्धे दोस्त नूं भी ले आंदे ने कि असीं नाइट आउट कर लैंदे आ स्टे कर लैंदे आ, ये बहुत आम तौर पर हो जांदियां चीज़ां यूनीवर्सिटीज़ दे विच। लेकिन कल दे दिन जेकर असीं शुरुआती दौर की गल करिए तो पहला जिहड़े बॉयज़ ने वह जिस आ सारी घटना वापरी, कुड़ी ने देखा कि वीडियो इस तरीके नाल बन रही है, चीज़ा हो रही ने, तो बॉयज़ जिहड़े ने भज के हाईवे तक, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर हाईवे है, उत्थे पहुँचते हैं भज के, तो उस तो बाद मदद मंगण की कोशिश की जाती है, लेकिन लाठीचार्ज हों प्रोटेस्ट भी करते हैं, बहुत सारिया चीज़ा होंदिया ने। लेकिन जेकर शरारती अंसर ने भी आना होते वास्ते बहुत सारे राह ने, हो सकता है कि वह पहले तो ही अंदर हो, पहला तो ही अंदर जड़े आए होन, कुछ दिन पहले वड़े होन, जां हो सकता है कि उन्होंने नाल अंदर आए होन। लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि शरारती अंसर जरूरी नहीं कि बाहरों आए होन, शरारती अंसर बलदीप जी सिर्फ बाहरों नहीं, इस वक्त सवाल अंदरले शरारती अंसरों का भी हैगा आ, क्योंकि जिहड़ी कुड़ी ये काम कर रही सी वह यूनीवर्सिटी की ही स्टूडेंट सी, होस्टल दे विच ही रह रही सी, होस्टलर ही सी, तो वह भी शरारती अंसर ने, वह सिर्फ एक कुड़ी हजे तक स्पॉट की गई है, हो सकता है कि इदा के शरारती अंसर हो और भी बहुत हुण इन्हां किवें रोकना है, क्योंकि इन्हां दे उत्ते कोई ये तो है नहीं कि अंदर कोई एक चीज़ लॉन्च कर दी जाएगी टैक्निकली उन्होंने रोक दिता जाएगा, हुण इन्हां नूं रोकण दे वास्ते किस तरीके दे इंतजाम किए जाने चाहिए ने वह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरारती अंसर जिन्हां की गल की जा रही है वह दोनों पक्षों के होंगे ने, असीं एक पक्ष दस्सिया कि हो सकता है कोई बाहरों भी आया होवे, लेकिन जिहड़ा अंदर ने उन्हां दा भी एक बहुत वड्डा सवाल है, एक तो दिख गया, लेकिन अगर इदां दे शरारती अंसर होर भी होण तो उन्हां नूं स्पॉट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हैगी रिस्पोंसिबिलिटी कुछ कुड़ियां दी भी नाल दे नाल ओ स्टूडेंट्स दी जिहड़े अपने शहरां तो बाहर आ रहे हैं।